हेलो व्यूअर्स, फर्स्ट चेक कर दो। पहला बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत है। देन आपकी ये फ्रिज जो है, इसकी पूरे जो थिंग्स होते हैं इसमें पूरा रिमूव कर दो। उसके बाद फ्रिज जो ऐसी दिख रही है, उसके बाद आप केयरफुली से, बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली से आप ये ट्रेस रिमूव करो। वैसा भी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है। डोर एकदम बिल्कुल ओपन करके ये ट्रे एक एक भी रिमूव करेंगे तो बहुत इजी है, आ जाएगा। हाँ, इजी से ही आ जाएगा। ये ग्लास ट्रे है और इसे केयरफुली से रखना है। एंड देन ये ट्रेस आराम से निकाल सकते हैं। अब नीचे से थोड़ा पुश करो, आ जाएगा। थोड़ा टाइट रहेगा, नीचे से पुक करो, आ जाएगा। पुश करो, सॉरी। देन सेम वैसा ही है पूरा ट्रे, नीचे से थोड़ा पुश करेंगे तो आराम से ही आ जाएगा। देख लीजिए, आ गया। सेम वैसा ही है, सारे देख लीजिए, पूरा भी आ जाएगा। देखिए देखिए, आ गया ये जी। अब लास्ट वाला ट्रे देख लीजिए, फ्रिज एकदम डर्टी है। आप ही घर पे आराम से जनरल सर्विस कर सकते हैं। आपके पैसे बिल्कुल 600 या 700 शायद लेते हैं, वो आपको बिल्कुल आपको सेव है, पूरे पैसे सेव है आपके। देख लीजिए, सब बिल्कुल एकदम वॉश कर लीजिए। हम नॉर्मल वॉश करेंगे, वैसा ये ड्रेस और ये टॉप पूरा वॉश कर लीजिए। ये जो है सर्फ वाटर है, कोई केमिकल केमिकल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सर्फ वाटर है। इसी से लेकर स्क्रैप पैड ले लीजिए, आप आराम से सर्फ कर दीजिए। इंटीरियर जो है आराम से साफ़ करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन फिर एक बात याद दिलाऊंगा आपको, कंपलसरी जो आपका फ्रिज का जो प्लग होएगा वो रिमूव रहना चाहिए। ओके, देख लीजिए पूरा डस्ट, पूरा डर्टी जो है पूरा इसी में ही आपको साफ़ हो जाएगा, एकदम साफ़ हो जाएगा आपको। देख लीजिए जी, उस स्क्रैप पैड थोड़ा नरम होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। बिकॉज क्या होएगा, आपको स्क्रैचेस आ जाएगा। उसके अलावा आप नरम कुछ सॉफ्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं। देख लीजिए, अब ये फ्रीज़र बॉक्स का बारी आ रहा है। ये फ्रीज़र बॉक्स को बिल्कुल आप इसे छीना मत, ओके। बिकॉज़ ये जो है, ये सब अंदर जो जा रहा है, ये पाइप गैस सर्कुलेशन पाइप है ये सब, ठीक है। इसे छीना मत आप,
छींगे तो आपको दिक्कत होएगा, बिकॉज उसमें से गैस लीक हो जाएगा। कुछ हार्ड चीज़ से उसे छींगे, कुछ उसे धक्का मारेंगे, आप कुछ हिलाएंगे, इसी तरह क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। या देन ये जो है, ये वाटर ट्रे है, जो अंदर का जो फ्रीज़र का वाटर जो जा रहा है आउटसाइड जाएगा, ये वाटर ट्रे है ना, ये आपको ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका पानी फ्रंट में आएगा। पानी आप कई फ्रिज में देखे रहेंगे, कई प्रॉब्लम देखे रहेंगे, पानी जो है सामने तरफ से, मतलब सामने का डोर होता है उसकी तरफ से बाहर आएगा। वजह क्या है कि वो ट्रे है, ट्रे में ब्लॉक हो जाएगा तो आपको पानी सामने की तरफ से आएगा। वो ट्रे क्लियर कर देंगे तो आपको आराम से बैक साइड चल जाएगा, वो पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, वो कंप्रेसर के ऊपर जाके वो पानी वैसा ही ड्राई हो जाएगा। वो पानी कंप्रेसर को ठंडा रखने के लिए वो यूज़ होता है बैक साइड में, फ्रिज में, हर फ्रिज में आएगा, या सिंगल डोर फ्रिज में। लेकिन ये बिल्कुल साफ़ होगी हमारे फ्रिज, अब सॉफ्ट कवर क्लॉथ से क्लीन कर रही हूँ। देख लीजिए, बिल्कुल ईजी है, आप ये आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते। ये सॉफ्ट क्लॉथ, वो स्क्रैप पैड के बाद ये सॉफ्ट क्लॉथ डाल के आप आराम से क्लीन कर दीजिए। देख लीजिए, एकदम क्लीन, एकदम साफ हो गया फ्रिज आपका। जो फ्रंट ये मैग्नेटिक लबर है, ये लबर में देख लीजिए कितना डस्ट बैठा है। ओके, ये लबर को भी हम एकदम साफ़ करना ही चाहिए, बिकॉज ये इसमें जो डस्ट ज़्यादा जमेगा तो आपको स्मेल लाने चांसेस है। जो नॉर्मल टूथब्रश ले लीजिए, टूथब्रश में लेकर आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। देख लीजिए, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब वाक़े का काम नहीं है, एकदम इजी है, आराम से कर सकते। इसी तरह आप चारों कुदन जो फोर साइड आएगा, वो फोर साइड भी सेम ऐसा ही पाक कर सकते हैं, आराम से पाक कर लीजिए। कितना डस्ट है, ये जो डर्टी है इसकी वजह से थोड़ी दिन में आपको क्या होएगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगा, एकदम कुछ बैड स्मेल। अब एक्सटीरियर का बारी है, अब एक्सटीरियर आराम से साफ कर सकते, थोड़ा नरम होना चाहिए स्क्रैप पैड। देख लीजिए, पूरा एकदम ज़्यादा घिसना मत, आराम से करना, क्योंकि स्क्रैच पड़ गया तो आपका फ्रिज का एक्सटीरियर ही चले जाएगा। इसके लिए आराम से क्लीन कर दीजिए, ऐसा ही पूरा एकदम साफ कर लीजिए आप। ये होने के बाद आप फ्रिज का बैक साइड, जो पीछे का जो हिस्सा होता है, वो बैक साइड फिल्टा के अब ये दो स्क्रू रिमूव करना है। ओके, ये वाटर ट्रे है, फ्रिज का जो वाटर ट्रे होता है वो यही है, वाटर ट्रे, इसी को रिमूव करना है। आराम से रिमूव कर सकते हैं, या टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर आपके पास, हर किसी के पास अब रहता ही ये टूल छोटा मोटा, उसमें से ही कर सकते हैं आराम से।
कोई एक्स्ट्रा टूल अब से यूज़ नहीं, वैसा ही हो जाएगा आराम से, देख लीजिए कितना डर्टी है। देख लीजिए हर फ्रिज में इससे भी ज़्यादा डर्टी होएगा। और वाटर ड्रेन ये जो है अंदर का हिस्सा में जो ट्रे दिखाया आपको, वो ड्रेन का जो पानी होता है, फ्रिज का जो वेस्ट पानी होता है, वो इसी के ये रास्ता में ही, ये ड्रेन से ही तो आपको आएगा, बैक साइड आएगा, वाटर ट्रे को आएगा। इसी को आराम से साफ़ करना चाहिए। ये ना आप एक छोटा वायर कुछ ले लीजिए, कुछ थोड़ा मोटा होना चाहिए, ये साइज़ देख लीजिए, ये साइज़ में वायर लेके आप आराम से अंदर देख लीजिए, आराम से इसी तरह करेंगे तो आपका जो बैक वो सेंटर में जो डस्ट होता है वो साफ़ हो जाएगा आपको। उसी की वजह से आपको क्या होएगा, बैक साइड में पानी नहीं आएगा, फ्रंट में आ जाएगा पानी, फ्रंट डोर में आपको पानी, देख लीजिए कितना डस्ट है। हर फ्रिज में डस्ट होएगा ही होएगा, देख लीजिए कितना डस्ट है। अब ये वे जो है, वाटर वे जो है, ये रास्ता साफ़ हो गया तो आपको पानी बिल्कुल सामने नहीं आएगा, पीछे या गिरेगा वो आराम से ड्राई हो सकता है, आप स्मेल नहीं आएगा, फ्रिज सेफ। देख लीजिए ये वाटर ट्रे है, इसी में पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चले गए। अब क्या है देख लीजिए, इधर से भी साफ़ करना चाहिए। ये अंदर का हिस्सा है फ्रिज का, इसमें भी आप जो सेम वायर छोड़ेंगे तो आप में वो होल में एकदम साफ़ हो जाएगा। ये साफ़ होने की वजह से ही आपका फ्रंट साइड में जो वाटर आता है वो क्लियर हो सकता, उसके अलावा नहीं होएगा। वायर कुछ ले लीजिए आराम से, कुछ मोटा, ज़्यादा मोटा ही नहीं, थोड़ा मोटा ले लीजिए वायर, वायर से साफ़ करो, आराम से हो जाएगा। देख लीजिए हो गया, अब पानी डाल के देखो, आराम से जाएगा, थोड़ा भी नहीं टिक रहा, देख लीजिए आराम से चले जाएगा। इसी तरह जाना ही चाहिए, इसी में वाटर नहीं जाएगा तो आपको फ्रिज के फ्रंट साइड पर आएगा वाटर। देख लीजिए बैक साइड में मैं कितना भी पानी डाला था वो पानी आ गया, कितना डस्ट है देखिए। आप आराम से कपड़े से लेकर, गीला नहीं चाहिए, नॉर्मल कपड़ा, सूखा कपड़े से आप क्लीन करें, पूरा एकदम साफ करो जी, कितना डस्ट। प्लग रिमूव होना चाहिए, बैक साइड में आप देखेंगे तो एकदम कम, मस्ट बोल रहा हूँ कि प्लग रिमूव ही रहना चाहिए, कितना डस्ट है, रिमूव करो ये सब आराम से, ज़्यादा दबाना मत, इधर लाइट से थोड़ा हल्के से आप साफ़ कर सकते हैं, ज़्यादा हिलाना मत, ज़्यादा भी दबाना मत, इसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देना, हल्के से ऐसा ही साफ़ करो, एकदम साफ़ हो जाएगा आपका। यह है फ्रिज का बैक साइड कंडेंसर, हीटिंग कंप्रेसर कंडेंसर, ये इसी को आप आराम से साफ़ करो, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा डस्ट होएगा, इसके लिए आप आराम से टूथब्रश में ही साफ़ कर सकते हैं। अब जो रिमूव किए थे वो ट्रेस, ये ट्रे का जो बैठने का वो गाड़ी होता है, आराम से देखिए, आराम से बिठाइए, सेम वही पोजीशन में बैठना चाहिए, थोड़ा आगे पीछे हुआ तो ट्रे कट हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक ट्रे है, आराम से बैठ गया, देख लीजिए सेम वैसा ही है, ये लेंथ ट्रे है थोड़ा, वो जो देखिए वो जो बैठने का वो जो है सेम, देख लीजिए दो साइड दोनों को उतरना आएगा, ये आराम से उठा सकते हो, एकदम ईजी है, थोड़ा केयरफुली से कर लीजिए जी, बैठ गया। अब अंदर का ट्रे का बारी, ये भी सेम वैसा ही है, ये सब साफ करना है, आप साफ़ करके उसके बाद अब इसमें बिठा फिक्स कर दीजिए, हो गया। ये वाटर सॉरी मिल्क ट्रे है, ये भी हो गया, आपका फ्रिज एकदम सर्विस हो गया। अब बैक साइड पर जाएंगे, जो वाटर ट्रे हम रिमूव करें, जैसा हम रिमूव करें वैसा ही फिक्स कर दीजिए, एकदम इजी है। हेलो व्यूअर्स, मुझको पता है ये वीडियो जो है आपको बिल एकदम यूज़ हुआ होगा मेरे ख्याल से,
अब फाइनली ऑन मत कीजिए प्लग डाल के, ये हाफ एन आवर के बाद ऑन करना चाहिए क्योंकि फ़ौरन ऑन मत करने का, हाफ एन आवर के बाद ऑन कर लीजिए, आपका एकदम ठीक ठाक हो गया है।